हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आ चुके हैं हम एक और नई वीडियो आपके साथ। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यूपी आंगनवाड़ी भर्ती के बारे में। तो दोस्तों, प्रयागराज में आंगनवाड़ी के पद आ चुके हैं, तो मैं ज़िले वाइज डालता रहता हूँ वीडियो, जिस ज़िले में निकलती है उसकी डाल देता हूँ तुरंत। ठीक है, तो देखते हैं कितने पद हैं, कब से लास्ट डेट है, ठीक है, कब की लास्ट डेट है, कब से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा, फॉर्म कैसे भरा जाएगा पूरा, ठीक है, पूरा फॉर्म कैसे भरा जाएगा, वीडियो में बने रहना अंत तक। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले आपको क्या जाना है, क्रोम में जाकर आपको ये सर्च मारना है, बाल विकास यूपी डॉट जी ओ वी डॉट इन। ओके, जैसे ही आप इसको सर्च करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। इस पर ये रेड लाइन में लिखा है आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं की मानदेय पर संविदा आधारित नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र। ओके, तो ये दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो देखो किस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। ये रहा, इसमें क्या है, ये कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, तो इनको आपको पढ़ना है। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए कुछ ये, ठीक है। तो इसमें क्या है, आवेदिका को सुझाव दिया जाता है कि आवेदन पत्र भरने से पहले अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ रहे। ठीक है, तो आवेदिका मतलब ये फीमेल है, फीमेल के लिए वैकेंसी है। ठीक है, आवेदन करने की प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क है। चयन की कार्रवाई जनपद स्तर से संपादित की जानी है, अतः किसी भी शंका या समाधान के लिए जिलाधिकारी या जिला कार्यक्रम अधिकारी से समाधान करा सकते हैं। तो इस तरह से दिए, इनको देखिए आप, और अंत में जाके लास्ट में यहाँ यस पर क्लिक करना है। ये यस पर क्लिक किया, और यस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अगला पेज, इस पर क्या करना है आपको, आपके जनपद का नाम डालना है। जैसे प्रयागराज में लिख दिए तो प्रयागराज का डालता हूँ। ओके, ये प्रयागराज मैंने डाल दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, ब्लॉक का नाम डालना है। जैसे इसमें से मैंने मान लो ब्लॉक ले लिया ये वाला, ठीक है। इसके बाद आपको ग्रामीण या शहरी, तो ग्रामीण डालता हूँ। इसके बाद ग्राम सभा, कौन सी ग्राम सभा है, तो ये मैंने ग्राम सभा ले ली। और इसके बाद पद का नाम, कौन से पद पर कार्य, तो इसमें एक ही पद ये आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री वाला है, तो इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ही है, और अलग जैसे डालोगे आप ग्रामीण और ये ब्लॉक का नाम अलग अलग डालोगे तो कुछ अलग मिल जाएंगे। ठीक है, तो जैसे अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ, मान लो ये वाला डालता हूँ और ग्रामीण डालता हूँ, ये शहरी और ये सेलेक्ट, शहरी नहीं है इसमें, ग्रामीण मिलेगी। ठीक है, तो ग्रामीण क्लिक करके और ये आ गया। यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से पद हैं। तो ये देखो, यहाँ पे दो तरह के पद हैं, एक आंगनवाड़ी सहायिका और एक आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री। तो कौन सा पद के लिए आप फॉर्म फिल करना चाहते हो उस पर क्लिक कर लो। जैसे मैं कार्यकर्त्री इस पर क्लिक करना चाहता हूँ, तो इस पर ये क्लिक करने के बाद सर्च करें। ठीक है, सर्च पर आप सर्च करें, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो इस तरह से ये आएगा, जनपद का नाम क्या है, प्रयागराज। इस तरह से दिया है, ग्रामीण है, ग्राम सभा, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री है, पद का नाम और विज्ञापन क्रमांक C571। आरंभिक तिथि 26 तारीख से स्टार्ट है, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 16/7/2021 रखी गई है। वार्ड नंबर और ये रिक्त आंगनवाड़ी केंद्र का कोड है, और रिक्त आंगनवाड़ी केंद्र का नाम ये दिया है। ये जब फॉर्म फिल करोगे तब जब चाहिएगा, ठीक है। और ये क्या है, रिक्त पद एक है, तो इस तरह से निकाल सकते हो। अगर अप्लाई करना है तो अप्लाई करो। यहाँ से अप्लाई करने के बाद ये रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो गया है, पंजीकरण। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, और मोबाइल नंबर देने के बाद नीचे डेट ऑफ बर्थ देनी है इसमें। ओके, इसमें डेट ऑफ बर्थ देनी है, और डेट ऑफ बर्थ देने के बाद यहाँ पर आपको कैप्चा फिल करना है, जैसे यहाँ पे लिखा है उसी तरह यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। सेंड ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आपके पास ओटीपी आएगा, ओटीपी फिल करोगे तो नेक्स्ट पेज आएगा। 4 स्टेप में ये भरा जाएगा फॉर्म। तो देखो यहाँ तक बस ये था। अब इसके बाद पूरा फॉर्म सेम है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया, सुल्तानपुर की वैकेंसी बताई है उसमें मैंने पूरा फॉर्म बताया, तो अब वहाँ से जाके आप देख सकते हो पूरी वीडियो को। ठीक है, जिला या उसी वीडियो को देख सकते हो, उसमें क्या है कि जिला बस चेंज करना है आपका, कौन सा जिला है उसके हिसाब से। तो वीडियो कैसी लगी, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।